हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, अभी जो जमाना चल रहा है सोशल मीडिया का, शॉर्ट वीडियो बनाना, ब्लॉग वीडियो बनाना, राइडिंग के लिए वीडियो बनाना, काफ़ी सारे मार्केट में अभी चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों, मैं 2017 से काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे यानी कि सोशल मीडिया पर जुड़ा हूँ और अभी भी जुड़ा हूँ। मेरा 3-3 चैनल अभी मोनेटाइज है और फेसबुक पेज भी फॉलोवर जो है 2 लाख के आसपास में है। वहाँ भी अच्छा खासा अर्निंग इनकम कर रहा हूँ, यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे टिकना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को 2 चीज़ गौर करना है। वो क्या, आपका भाई आप लोगों को बताएगा, क्योंकि मैं लाइव पर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना किया, तब जाके मेरा एक सेटअप बना है और एक्चुअली जो मेरा वीडियो क्वालिटी है वो भी बेहतर है और साउंड क्वालिटी जो है वो भी बेहतर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, सबसे मेन होता है क्या, वॉइस कैप्चर। अगर आप लोग आउटडोर हो, इनडोर हो, कोई भी वीडियो शूट करके लोगों को दिखाते हैं यानी कि कोई भी वीडियो, तो उसमें आप लोगों को ज़रूरत होता है एक वॉइस की, और 2 नंबर होता है एक वीडियो क्वालिटी। तो दोस्तों, शुरुआत में सभी कोई यूट्यूबर हो, सभी कोई सोशल मीडिया पे जो काम करता है एंड्रॉयड मोबाइल से काम करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, आईफोन लेता है या DSLR कैमरा लेता है। तो दोस्तों, आईफोन लेने के बाद कुछ हम लोगों को यानी कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों का कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, तब जाके ये काम बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, हमारे पास 4 माइक्रोफोन है। साउंड क्वालिटी के लिए पहले आप लोगों को बताता हूँ, ये कोई वीडियो स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मैं खुद बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने खूब झेला है, वॉइस लेकर मैंने खुद झोला है, क्योंकि मेरा जो चैनल है बाइक रिलेटिव, बाइक रिपेयरिंग करता हूँ, और बाइक रिपेयर कहाँ करता हूँ दोस्तों, रोड के ऊपर, रोड के बगल में, तो वहाँ काफ़ी सारे नॉइस आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि बाइक चलना, ट्रैक चलना, यानी कि भुटभुटी चलना, काफ़ी सारे नॉइस होता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करने के बाद एक माइक्रोफोन अच्छा मुझे लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्या क्या एक ब्लॉगर के लिए, क्या क्या एक मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो आदमी का सेटअप ज़रूरत है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और कौन सा मोबाइल आप लोगों को लेना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वो भी सजीर बाइक गुरु के नाम पर है, और इंस्टाग्राम जो है वहाँ भी हमारा सजीर बाइक गुरु के नाम से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बोया की M1 जो होता है माइक्रोफोन, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पर, मैनो कंपनी का जो होता है, ये सस्ती वाली, ये भी हम लोग यूज करते हैं, ये सब वायर वाला होता है। अब आते हैं हम लोग का वायरलेस में, तो वायरलेस में हम लोग का होता है ग्रीन आरो, सबसे बेहतर चल रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैं सब ऑलरेडी यूज कर लिया हूँ और अभी मेरे पास गुड कंडीशन है, और मैंने लास्ट में एक लिया है बोया की वायरलेस माइक, ISO के लिए है, आईफोन के लिए है बेस्ट। सभी माइक्रोफोन को साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, वॉइस के साथ कंपेयर कराऊंगा कौन सा बेहतर है और कौन सा आप लोगों को लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये वाला माइक्रोफोन की, जो बोया की MI है। इसमें आप लोगों को काफी सारे सिस्टम दिया गया है, 2 साल की वारंटी होता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर जो होता है, हम लोगों को इतना बड़ा वायर का जरूरत नहीं होता है। हाँ, जो भाई इंटरव्यू लेता है यानी कि प्रेस में काम करता है, उनके लिए शायद ज़रूरत होगा, क्योंकि दूर से कैप्चर करेगा और काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात करना पड़ेगा, तो ये माइक्रोफोन उसको लेना चाहिए, बड़ा तार वाला। तो दोस्तों, इसका कीमत कितना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका जो हम लोगों का बोया का M1 कंपनी का जो होता है, इसका कीमत आप लोगों को 700 के आसपास में मिल जाएगा। अब आते हैं मैनो कंपनी का। तो दोस्तों, मैनो कंपनी का जो होता है, ये हम लोगों का तार छोटा होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का मोटो ब्लॉगिंग के लिए होता है, किसमें, GoPro में अटैच करने के लिए। दोस्तों, ये है GoPro। GoPro में आप लोग अगर कहीं बाइक लेके राइडिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों का काफ़ी सारे इसमें नॉइस आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, और इसका वायर छोटा है, हेलमेट में लगा के आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, वो एक्चुअली उसके साथ आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पिन इसके अंदर अटैच करेंगे तो ही आपका GoPro चलेगा। अब बात आती है दोस्तों ग्रीनारो कंपनी का। ग्रीनारो कंपनी का जो होता है, इसमें दिया गया है हम लोगों का टाइप सी वाला, और ये आप लोगों को लाइटिंग केबल यानी कि ISO के लिए, आईफोन के लिए। अब दोनों माइक्रोफोन ऑटोमेटिक इसके अंदर भरेंगे तो आपका चार्जर बन जाएगा, चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, आप इसे वॉइस कर सकते हैं। सभी को लगभग आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ दिया गया है बोया का ISO
यानी कि आईफोन के लिए सिर्फ ये बाहर किया है। और अगर आप लोग एंड्रॉयड के भी लेना चाहते हो तो एंड्रॉयड के लिए भी मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है आईफोन के लिए बेहतर है, सिर्फ आप लोगों को आईफोन के लिए है। और यहाँ आप लोगों को माइक्रोफोन देखने को मिलेगा और चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए सभी को लगभग आप लोगों को दिखा दिया। अब कीमत के बारे में आप लोगों को, गिरिनारों का जो कीमत है गाइस, ये हम लोगों का लगभग 2400 के आसपास में आप लोगों को ड्यूल माइक्रोफोन के साथ मिल जाएगा। अब जो आईफोन के लिए जो होता है हम लोगों का 2.4, यानी कि आप लोगों को मिलेगा कहाँ, अभी मार्केट में अभी ऑफर चल रहा है, ये भी 2400 के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ये सिंगल माइक्रोफोन है और ये ड्यूल माइक्रोफोन है, एक रिसीवर। तो चलिए सबसे आप लोगों को कंपेयर कराता हूँ। और अभी जो हमारा चल रहा है सबसे सस्ती वाली चल रहा है, जो अभी मैं तार वाला यूज कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला माइक्रोफोन, वाया की जो होता है ये वाला आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आईफोन 30 से मैं शूट कर रहा हूँ सिनेमेटिक मोड से। तो चलिए इसे लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई लोग अभी जो आवाज चल रहा है किसका, वाया M1 मॉडल जो चल रहा है, ये यानी कि आप लोगों को 800 रुपया कीमत है। और इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा मैं रुकता हूँ, बाइक चल रहा है। आप लोग वीडियो में महसूस कर रहा है जो कैसे नॉइस को कवर कर रहा है, देखो चारों तरफ से यहाँ थोड़ा नॉइस आ रहा है। तो भाई लोग इसका आप लोगों को क्वालिटी दिखा लिया, अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैनो कंपनी का, अब आप लोगों को दिखाता हूँ 400 रुपए के आसपास में है। चलो भाई लगाओ इसको। तो भाई लोग अभी आप लोग जो सुन रहा है मैनो कंपनी का एकदम सस्ता वाला, जो आपको 400 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। और ये गोप्रो के लिए भी यानी कि सेटिंग बेहतर होगा। तो चलो मैं कुछ रुकता हूँ और आप लोग देखिए। तो भाई लोग अभी जो साउंड क्वालिटी आ रहा है सस्ती वाली से, और ये मैनो कंपनी का है और ये गोप्रो कैमरा के लिए बेहतर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा आप लोगों को दिखाता हूँ गिरिनारो कंपनी का, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है गिरिनारो कंपनी का, इसमें हम लोग का 3 मोड दिया गया है। तो पहले आप लोगों को नॉर्मल मोड में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है अभी नॉर्मल मोड में है, अब आप लोगों को एक बार प्रेस करेंगे यहाँ लाइट बिलिंग करेगा। अब दोस्तों ये जो वॉइस आप लोगों को देख रहा है ये कैसा है, इसमें थोड़ा नॉइस हमने कमाया है, ठीक है, इसमें थोड़ा नॉइस हमने कमाया है। अब दूसरा बटन दबाते हैं, अब इसमें आप लोगों को ज़्यादा नॉइस शायद कम गया है। देखो इसका जो वॉइस आ रहा है इससे हम लोगों का थोड़ा नॉइस कम आया। और एक हम लोग कमाते हैं, अब सबसे ज़्यादा नॉइस जो है कम गया है। तो थोड़ा कलर पे लगा देता हूँ। तो भाई लोग अभी जो चल रहा है गिरिनारो कंपनी का, और एकदम नॉइस हमने कमा दिया है 3 मोड, ठीक है। तो इससे जो साउंड आएगा यानी कि कोई भी नॉइस नहीं आएगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है आईफोन पर, मैंने देखा है इसका जो साउंड, अगर आईफोन से हम बढ़ा देंगे थोड़ा साउंड अगर कम आएगा ना, बढ़ा देंगे तो फट्टा आवाज आएगा। जो एंड्रॉयड मोबाइल में काफ़ी व्यूअर जो देखेगा तो उसमें आपका साउंड फट जाएगा। तो गलती करके भी इस माइक्रोफोन को अगर आप लोग यूज कर रहा है तो BNF से या कोई भी ऐप से एडिट से वहां से साउंड को ज़्यादा मत कीजिएगा। कंपनी जिस दौरान दिया रहता है उसी दौरान आप लोग कीजिए। तो यहां डबल भी रिसीवर दिया गया है इसमें आप लोगों को, यानी कि आप किसी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। अब बारी है दोस्तों मेरा फेवरेट वाला, जो मैंने इदानी 5 दिन हुआ मैंने लिया है और मुझे खास करके बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए मैं लिया हूँ। तो चलिए इसको लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई लोग अभी जो आप लोगों को आवाज़ आ रहा है एकदम हमारा बॉया कंपनी का ऑरलेस, जो ISO के लिए है आईफोन के लिए एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। इसमें हम लोगों का 2 मोड दिया गया है। अभी जो चल रहा है एकदम नॉइस आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं जो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, इससे भी आप लोग काम कर सकते हैं। अब इसमें अगर एक बटन हम दबा दें तो पूरा नॉइस जो है ख़त्म कर देगा। सबसे बेहतर मेरा वाला जो है बॉया कंपनी का जो ऑरलेस माइक्रोफोन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जो ग्रीन लाइट था हरा बन गया है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी जो आप लोग साउंड सुन रहा है ये बॉया कंपनी का ISO यानी कि ये वाला मॉडल है, बॉया कंपनी का ऑरलेस ISO के लिए परफेक्ट मैच है। और मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आईफोन के लिए,
थोड़ा दूर लेके जाओ माइक्रोफोन को, मोबाइल खोल लो, तो पीछे लेके जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं भी थोड़ा घूमता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैं आया हूँ, थोड़ा यहाँ आया हूँ, थोड़ा दूर जाओ, दूर जाओ। अभी जो मेरा आ रहा है बोया कंपनी का वायरलेस आईएसओ से है। अब मैं थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा आवाज आ रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, बस जब बात करेंगे तो कोई भी हम लोग का नॉइस नहीं आएगा। जब भी हम लोग नॉइस हम लोग बात करेंगे तब क्या होगा, सबसे नज़दीक वाला जो साउंड है वही कैप्चर करेगा और बाजू वाला जितना भी साउंड आएगा उसको, यानी कि नॉइस को ख़त्म कर देगा। तो सबसे बेहतर जो मुझे लगा है बोया कंपनी का लगा है, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो बैठते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा माइक्रोफोन के बारे में? माइक्रोफोन जितना भी आप लोगों को दिखाया, अगर आप लोग मोटो ब्लॉगिंग के लिए है और कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सबसे परफेक्ट जो होता है आप लोगों का माइक्रोफोन वायरलेस वाला आईफोन के लिए बेहतर आईएसओ, इसे आप लोग परचेस करिए। जो मैं अभी लगा के रख, तार वाला का जमाना जो है वो चला गया है। आप लोग तार के झंझट में क्या होता है, कभी 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 प्याच लग जाता है, कभी जल्दीबाजी में आप कोई भी काम में जाते हो और अचानक अगर आपको कुछ व्यू देखने को मिला तो तार ठीक करते करते आपका व्यू खत्म हो जाएगा और आपका वीडियो भी बन नहीं पाएगा। तो हमेशा निकालो, बाहर करो और लगा दो। तो दो माइक्रोफोन आप लोग यूज कर सकते हैं, एक ग्रीनारो कंपनी का, ये भी 2400 के आसपास में ड्यूएल का साथ मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो सजेस्ट है, अगर आप लोग सक्सेस यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा बोया की माइक, जो होता है सबसे बेस्ट होता है वायरलेस के अंदर। अभी मार्केट में काफी 500-600 में आपको मिल जाएगा माइक्रोफोन, वो सब माइक्रोफोन आप लोगों को लेने का कोई भी आवश्यकता है नहीं। आप लोग मत लीजिए, पैसा मत खर्चा करो। हाँ, थोड़ा दिन आप लोग तार वाला यूज कर लो, उसके बाद अगर आपको यूट्यूब से पेमेंट आने लगा है, सोशल मीडिया से पेमेंट आने लगा है, तब उसी दौरान आप क्या करेंगे, बोया कंपनी का जो माइक्रोफोन होता है वायरलेस, उसे ही आप लोग यूज कीजिए। और आपके पास अगर बजट ज्यादा रहा है तो रोड कंपनी का भी आप लोग ले सकते हैं, 35,000-30,000 के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, सबसे बेहतर वो वाला है। लेकिन कम बजट में आप लोगों को बोया कंपनी का लेना है। अब दोस्तों मेरे पास एक जिम्बाल भी है, मैंने ये जिम्बाल क्यों लिया है, मेरा शौक था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा और काम करूंगा, लेकिन ये जो जिम्बाल मैंने लिया है 8,000 रुपये खर्चा करके कोई भी फायदा नहीं है। आप लोग जिम्बाल में पैसा मत खर्चा करो, ठीक है। गोप्रो मैंने लिया था कि कुछ आगे बढ़ाएंगे, DSLR कैमरा मैंने लिया था आगे बढ़ाएंगे कि हमारा वीडियो क्वालिटी बेहतर होगा, लेकिन आप लोगों को ना गोप्रो लेना है, ना जिम्बाल लेना है, ना DSLR कैमरा लेना है। हाँ, अगर आपके पास कुछ बजट हो जाता है तो बिग विलियंट आ रहा है नज़दीक, 25 दिन बाकी है, उसके बाद आप लोग ऑफर मिल जाएगा, आईफोन 30 हो, 40 हो, कोई भी आईफोन आप लोगों को मिल जाएगा। और सैमसंग का जो एक मैं नाम सुन रहा हूँ, दो मोबाइल है, यानी कि S23 आ रहा है, वो भी मैं लूँगा, और एक नाम और भी चल रहा है S21, S25। सैमसंग के अंदर काफ़ी सारे सीरीज आ रहा है, मोटोरोला भी एक आ रहा है, एक वीवो आ रहा है, तो तीन मॉडल मोबाइल के अंदर आ रहा है। तो आप लोग मोबाइल बिग विलियंट में लीजिए, थोड़ा वाइट कर लो। मैं हर साल मोबाइल लेता हूँ, एक ना कोई भी कोई मोबाइल लेता हूँ, लेकिन बिग बिलियन में लेता हूँ, वहाँ ऑफर मिलता है, पैसा बहुत हम लोग मेहनत से इनकम करते हैं, और ये नहीं जब मन तब ले ले। आप लोग आईफोन ले सकते हैं बिग बिलियन में लो। तो दोस्तों आज का वीडियो में आपको क्या दिखाया, सिंपल, आप लोगों के पास एक मोबाइल होना चाहिए, आईफोन एक माइक्रोफोन होना चाहिए, और कुछ भी चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। और आईफोन से आप लोग एडिट कर सकते हैं, भीने ऐप से काफी सारे फ्यूचर दिया गया है, सभी आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ज्यादा पैसा खर्चा मत करो। मेरा सजेस्ट जो है आप लोग बोया कंपनी का माइक्रोफोन लो। और मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग यानी कि परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।